जतिन एम पटेल, बारडोली, गुजरात। ओके ब्रदर। मैं गुजरात से सूरत डिस्ट्रिक्ट बारडोली से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम जतिन भाई है और ये मैंने केले का पौधा लगाया हुआ है और मैं पहली बार ही केला बना रहा हूँ। तो इसको 7x4 से लिया है मैंने। ओके। और पौधा जब मैंने डाला था जमीन में तो फंगीसाइड डाल के लगाया था 28 फरवरी को। ओके। बाद में एक ड्रिंचिंग किया था ब्रदर। प्लांटेशन का तरीका आपका अच्छा है, नाली की करवट में लगाया है। जितने भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं वो यह समझे कि पौधा कहाँ लगता है। जतिन भाई ने एकदम पौधा सही लगाया है, नाली में पानी नीचे दिया जा रहा है, पौधा साइड में करवट में लग रहा है। सही तरीका है पौधा लगाने का ब्रदर आपका। जिस चीज का ड्रिंचिंग किया है मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये 8 पावर करके है। और ये फंगीसाइड है और दूसरा क्लोरो करके जो इल्ली के लिए डाला है उसका ड्रिंचिंग किया था मैंने। ठीक है। एक वीक के बाद उसके बाद 10 दिन के बाद मैंने खातर डाला था 24 24 और पोटास। ओके। और अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो पत्ता है ना उस पे ऐसा काला काला सा धब्बा आ रहा है। और ब्रदर ये जो काला धब्बा आ रहा है ना ये इसके लिए आ रहा है कि आपके फील्ड में जो भी पौधे के पान निकल रहे हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम है और वो सफ़ेद पान निकल रहे हैं, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। सफ़ेद पत्ता आएगा, क्लोरोफिल कम होगा तो दिन में धूप में सनबर्न में वो जलता है, वो नैसर्गिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब 30 दिन का हो जाएगा, खेत के 2-3 पत्ते आ जाएंगे तो हम स्प्रे शेड्यूल चालू करेंगे। स्प्रे से पान की मोटाई आएगी और नीचे फर्टिगेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका पौधा छोटा है, आपने जो भी खाद दिया वो लागू होगा नहीं, ड्रेंचिंग करने की आवश्यकता है। लगभग 50% पौधे पे ऐसा है होगा ही सनबर्न से। कल मैंने इसमें 19 19 और इल्ली के लिए क्रैकर करके आता है वो और जिप्रेलिक एसिड। ब्रदर एक बात कहूँ, ये आप देखो इस पत्ते में ही ये जो येलोविश दिख रहा है, जिप्रेलिक एसिड इतने छोटे पौधे को आवश्यकता ही नहीं है। नेचुरल प्लांट को अगर चलाना है तो नेचुरल उसके पत्तों में क्लोरोफिल आना चाहिए, नेचुरल चलना चाहिए। जिप्रेलिक एसिड या ऐसे उत्तेजित करने वाले पदार्थ आप दोगे पत्ता पतला होगा, क्लोरोफिल कम आएगा और फटफट पेशी बढ़ेगी और हाइट हेल्थ जाएगी। अगर हम इतने छोटे पौधे को रेडी फूड दे सकें तो अच्छा है, वरना आर्टिफिशियल फूड और जिप्रेलिक एसिड और जादू की झप्पियाँ देंगे तो पौधा गड़बड़ में जाएगा और नेचुरल ग्रोथ होगी। ये 3 चीज मिला के इस पे स्प्रे किया था। ये जो पीला पीला है ना ये उस कारण से आएगा, तो ये स्प्रे से ये चीज आ जाएगा 19 19 जिप्रेलिक एसिड और क्लोरो अरे इल्ली के लिए क्रैकर। ये तीन चीज डाल के मैंने स्प्रे किया है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये चीज आ जाएगी जो ये पत्ते पे धब्बे आ रहे हैं काले काले, जो मेन पत्ता निकलता है अंदर से उसके ऊपर।
ब्रदर जादू जैसी चीज़ें देंगे ना तो पतले पत्ते होंगे और ऐसी गड़बड़ होगी। और अभी खेत में नए 2-3 पत्ते आने दो, फिर स्प्रे करना। अभी नर्सरी के पत्ते ही दिख रहे हैं। कैसे खातर देने का, कैसे ट्रिंचिंग करने का आप जरा मेरे को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ब्रदर मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, बैलेंस फर्टिगेशन का PDF फॉर्म भी भेजता हूँ। 7x7 और ऐसे 4 फुट है ये आपका ग्राफ गड़बड़ है मित्र। लाइन से लाइन 4 होती और पौधे से पौधा 7 होता झिकझेक तो भी अच्छा रहता, या 5 रहता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। 7 फीट आपने लाइन से लाइन ली है तो क्या होगा, धूप सीधी अंदर घुसेगी, और 4 फीट पास में कर दिया पौधे से पौधा तो पत्ता एक दूसरे में घुसेगा और पतला पतला भगेगा, और फ्लावर आने से पहले ही पौधा टेढ़ा हो जाएगा। जिस तरफ 7 फीट है उस तरफ हो जाएगा, वो थोड़ा गड़बड़ होगा। और इस ग्राफ में आप 3रा 4था 5वां नहीं ले पाओगे, पहला और दूसरा तो 100 ले लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। 4 लगाया था मैंने, आपका वीडियो देखा, 7x5 लगाने का था, लेकिन मैंने पौधा लगा चुका था बाद में आपका वीडियो देखा। मैंने 7x5 नहीं बोला है कभी, मैंने बोला है 5x7 है ना। ऐसे 2.5 एकड़ है मेरा दूसरा, 1 एकड़ के थोड़ा ऊपर, उसमें मैंने 7x5 लगाया है। ओके। और ये 3 एकड़ में 7x4 किया है। जो मित्र पूछ रहे थे फ्लड इरिगेशन में कैसे पौधा लगाएं, ये वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। खास तो मित्रों ये नाली में पानी जा रहा है यहाँ पर, और पौधा है साइड में यहाँ पर, ये सही तरीका है फ्लड इरिगेशन से प्लांटेशन करने का। जिन मित्रों के पास ड्रिप नहीं है इसको देख करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताना था, ये जो धब्बा आ रहा है ना उसके लिए, ये मित्र धब्बा आता ही रहेगा। और अगर जादू जैसी चीज़ें यूज़ करेंगे, सॉलिड प्लांट को क्या भोजन चाहिए केवल उस पर काम करो, NPK। जादू की झप्पियाँ बंद करो। मैं कुछ डेटास भेजता हूँ प्लांटेशन से 23 दिन तक का, और फिर अगले प्लांटेशन से 60 दिन तक का, और एक बैलेंस फर्टिगेशन फॉर्म भेजता हूँ जिसको आप फिलअप कीजिए, तो हम आगे कंटिन्यू किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा की तर्ज पर अच्छी एग्रीकल्चर पे जाएंगे और बेस्ट उत्पादन लेंगे। कुछ गलतियां हो गई है नए प्लांटेशन करते समय, ध्यान रखो। जिन मित्रों को बलराम किसान की सलाह अच्छी लग रही है सब्सक्राइब कीजिए और किसानों तक भेजिए। ओके, थैंक यू।